हाय फ्रेंड्स, सो आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन 101। सो फ्रेंड्स, नोटिस ऑफ मीटिंग समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के चलूंगा कि मीटिंग क्या होता है और नोटिस ऑफ मीटिंग का क्या रेलिवेंस है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऑल्दो काफी फैमिलियर सा टॉपिक है हम सभी के लिए, बट बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में। बहुत सारे वीडियोज हैं बट वो वीडियोज मुझे लगता है कि सफिशियंट कई बार नहीं होता हमें कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एकदम आराम से डिस्कस करने वाला हूं नोटिस ऑफ मीटिंग। इसके ऊपर कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा एंड आई एम श्योर कि आज का वीडियो देखने के बाद जो बहुत टाइप की रिक्वायरमेंट्स है, 21 क्लियर डेज क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्या होता है, सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे आपको। आइए, सो बिफोर डूइंग दैट लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द मीटिंग। सर एक बात समझते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड सर कंपनी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, तो सर कंपनी कैसे काम करता होगा? तो एक मीनिंग है कंपनी का, वो है कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। राइट, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए यूनाइटेड हुए हैं कुछ लोग। सर कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इसको मैं कहूं कि कैसे टाइप का एसोसिएशन है सर, कैसे पर्संस का, तो मैं मेजरली बोलूंगा दो टाइप के पर्संस होंगे यहां पे। एक तो होगा शेयर होल्डर और एक होगा डायरेक्टर्स। सर जो शेयर होल्डर्स होंगे ना, वो डायरेक्टर्स जो डे टू डे अफेयर्स कैरी करेगा। डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? डे टू डे अफेयर्स कैरी करना, मतलब मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके काम को रेटिफाई करेगा, वैलिडेट करेगा शेयर होल्डर। कहां पे करेगा सर? क्या अपने घर बैठे बैठे कर लेंगे? कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? ऑब्वियसली सर इसके लिए मीटिंग करनी पड़ती है। हाँ, मीटिंग होगी इसके लिए। क्या होगा सर? शेयर होल्डर की मीटिंग होगी और मैं इस मीटिंग को दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूं, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एजीएम, ईजीएम। सर एजीएम मैंडेटरी है, सेक्शन 96 इसको डील करता है। कब कब करना होता है एजीएम, कब कब करना होता है ईजीएम, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं फॉर श्योर एजीएम का कंटेंट क्या होगा, हाँ एजीएम कब होगा, ईजीएम कब होगा, ये सब बातें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना करके बता दूंगा। फिलहाल सर हमें यह जरूर समझ में आ गया हुआ है कि एजीएम स्टैचुटरली साल में एक बार करना होता है, जब सारे शेयर होल्डर मिल करके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टर्स ने काम किया है उसको हम लोग रेटिफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वट एवर। सर डिसीजन कैसे करेंगे? मीटिंग करके करेंगे। तो हमारा जो आज का मुद्दा है वो है नोटिस, सबसे पहला मुद्दा। क्योंकि सर देखो, चाहे एजीएम हो या ईजीएम हो, हमें बातें समझनी जरूरी है। तीन बातें होनी चाहिए। ये जो मीटिंग्स होगी ना, वो प्रॉपरली कॉल्ड होना चाहिए। प्रॉपरली कॉल्ड का मतलब सर डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी में रह करके कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, डायरेक्टर बुलाएगा मीटिंग ऑब्वियसली, तो क्या मीटिंग प्रॉपर तरीके से बुलाई गई है कि नहीं बुलाई गई है, नोटिस प्रॉपर तरीके से सर्व किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये बातें हम लोग सेक्शन 101 और 102 में करते हैं, ठीक है सर। प्रॉपरली कन्वीन किया गया है कि नहीं किया गया है, प्रॉपरली कन्वीन मतलब ठीक से कंडक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। अब आप सर बोलेंगे प्रॉपरली कन्वीन्ड क्या है, तो सर इसमें समझिए कि सेक्शन 103-104 पढ़ेंगे हम लोग, कोरम क्या होता है, चेयरमैन क्या होगा। सर इसके लिए भी मैं कोरम चेयरमैन के लिए मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ला दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है सर। ये सब बातें होंगी। सबसे पहला कि प्रॉपरली कॉल्ड होने के लिए सर क्या जाना चाहिए होता है, एक नोटिस जाना होता है और हम आज यही बात करने वाले हैं। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझाना है इस वाले टॉपिक के अंदर, वो 21 क्लियर डेज का नोटिस रिक्वायर होता है। सर क्लियर डेज क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक बार समझ जाते हैं कि जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। तो सर चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, शेयर होल्डर को बुलाना है कि आइए सर मीटिंग कीजिए, तो उसके लिए हमें 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और ये जो नोटिस होगा ये हम लोग राइटिंग में भी दे सकते हैं
और ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे देंगे, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, रूल 18 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, सेक्शन 88 से लेकर के जो आपका 120 तक सेक्शंस हैं, इन सब के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। ठीक है सर, ओके, तो रूल 18 में डिस्कस करेंगे, अभी आज के वीडियो में ही करने वाले हैं हम लोग इसको भी डिस्कस। राइटिंग में भी हो सकता है सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है, क्या शॉर्ट नोटिस पे भी मीटिंग बुलाई जा सकती है? हाँ सर, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में शॉर्ट नोटिस पे बुलाई जा सकती है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अ जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस ऑल्सो इफ कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अकॉर्डेड फ्रॉम मेंबर्स। कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सर, एक वैलिड नोटिस होने के लिए क्या होना चाहिए, किस जगह पे होना है, नोटिस का मीटिंग का डेट बताएंगे, डे बताएंगे, आर बताएंगे, ठीक है। और सर, अगर कोई बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है मीटिंग में, तो उसके बारे में हम लोग स्टेटमेंट देंगे कि कौन कौन सा बिजनेस, कौन कौन सा मैटर हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल भाषा में एजेंडा बताएंगे। तो ये सब रिक्वायरमेंट है सर, जो सेक्शन 101 कवर करेगा। आइए, तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपके साथ टाइम टू टाइम कुछ न्यूज लेकर के आता रहता हूं। तो फिलहाल आज मैं आपको एक बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए, अनअकैडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म है, वो सीए फाउंडेशन एंड इंटर के लिए आइकॉनिक प्रोग्राम करके लेकर के आया है। प्लस तो था ही, प्लस में मैं भी पढ़ाता हूं, प्लस में ऑलरेडी मेरे बैचेस चल रहे हैं सीए फाउंडेशन और इंटर के लिए। सर, प्लस में क्या होता है, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहां पे अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं, टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। सर, प्लस तो था ही, प्लस का भी फर्दर नेक्स्ट कैटेगरी आया है, बिकॉज आज के टाइम पे जहां कोरोना कोविड के का साइड इफेक्ट कह लीजिए, जहां पर फेस टू फेस क्लासेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अनअकैडमी बेस्ट सोल्यूशन लेकर के आया है। एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड देमसेल्फ फॉर अनअकैडमी। सर, यहां पे अगर आप आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर एनरोल होते हैं तो आपको पर्सनल कोच मिलेगा। हां जी बिल्कुल, पर्सनल कोच मतलब सर एक मेंटोर मिलेंगे आपको, जो आपके हर प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक से प्रोग्रेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेगा, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर है, डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल मिलेगा, टेलीग्राम पे चैनल बना देंगे आपके लिए, और व्हाट्सएप पे चैनल बन जाएगा आपके लिए, और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आकर के आपके साथ सेशंस लेंगे। फ्रेंड्स, द प्राइसेस आर वेरी फ्लेक्सिबल, 42,500 रुपीज फॉर वन ईयर, फॉर टू ईयर्स द प्राइस इज 64,550। चलिए सर, अगर आपको इसमें फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माई कोड विच इज राहुल सिंह विदाउट स्पेस। राहुल सिंह कोड यूज करेंगे, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। गो एंड गेट दिस, नथिंग बेटर देन दिस कैन हैपन। जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए इंटर में हैं, तो आपके लिए ये मस्ट है, आप जाकर के इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड नहीं भूलना है आपको, राहुल सिंह, आपको मेरा नाम पता है, सो राहुल सिंह इज द कोड विदाउट एनी स्पेस। अगर आप ये कोड यूज करेंगे सो आपको 10% डिस्काउंट भी, एडिशनल डिस्काउंट अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। प्लस पे भी सेम कोड एप्लीकेबल होगा। और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स प्लस यूज कर रहे हैं, उनको अगर अपग्रेड करना है प्लस टू आइकॉनिक में जाना है, बहुत सिंपल है सर, आपका जो प्लस का फीस गया हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा आइकॉनिक के फीस में से। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग समझना चाहेंगे वन बाई वन, 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है। सर, समझने वाली बात क्या है कि डेट ऑफ पोस्टिंग और डेट ऑफ मीटिंग ये 21 डेज में इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान से समझना है। बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, आई वांट ऑल योर फोकस हेयर। हाँ, आपको मजा आएगा आज की क्लास के बाद, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करा करके भेजूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सर, जो डेट ऑफ पोस्टिंग है और डेट ऑफ मीटिंग है, दोनों एक्सक्लूडेड है, 21 डेज में नहीं काउंट होगा, 21 क्लियर डेज में ये काउंट नहीं होगा। सर, क्या होगा अगर बीच में हॉलीडे पड़ रहे हैं तो उसको भी छोड़ दें क्या? नहीं, वो इंक्लूडेड है।
ठीक है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, इधर मैंने एग्जांपल भी आपके लिए ड्राफ्ट करके ले आया हूं मैं सर। और तो और 21 क्लियर डेज में डेट ऑफ पोस्टिंग और डेट ऑफ मीटिंग दोनों एक्सक्लूडेड है सर। अगर पोस्ट से भेजा है तो 48 आवर्स का टाइम और चाहिए, ठीक है। सो देखा जाए तो मेरे पास एक एग्जांपल से समझेंगे, तो अगर मैंने नोटिस पोस्ट किया है 1 जनवरी को नोटिस पोस्ट किया है तो 48 आवर्स का मतलब 2 डेज, तो 1 + 2 डेज कितना हो गया 3rd को मेरा नोटिस इफेक्टिवली माना जाएगा कि मेरा नोटिस यहां से हमारे यहां से पोस्ट हो गया, ठीक है। हाँ, इफेक्टिवली सेंड कब हुआ मेरे पास 3rd से। 21 डेज का टाइम होता है तो 21 डेज ऐड करूंगा तो क्या होगा 24, लेकिन सर डेट ऑफ मीटिंग 21 डेज में इंक्लूड नहीं करना है तो हमें नेक्स्ट डे एक दिन ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब सर अगर मैं 1 जैन को भेज रहा हूं नोटिस तो 25th और ऑफ जैन को मैं मीटिंग करा सकता हूं मिनिमम, इसके पहले मैं मीटिंग नहीं करा सकता। अगर मैंने 1 जैन को नोटिस भेजा तो 2 डेज मतलब 48 आवर्स चाहिए मुझे पोस्ट से भेजने के लिए, क्या माना जाएगा इफेक्टिवली कब सेंट हुआ है 48 आवर्स के बाद, ठीक है सर। तो 1 जनवरी से 2 डेज 3rd हो गया सर, लेकिन 21 डेज का टाइम चाहिए, 21 डेज ऐड किया तो 24 हुआ, लेकिन पहला रूल क्या पढ़ा हम लोगों ने डेट ऑफ पोस्टिंग एंड डेट ऑफ मीटिंग हैज टू बी एक्सक्लूडेड। अब आप बोलेंगे सर देखा जाए तो 21 + 2 + 2 25 होना चाहिए था, लेकिन आपके एग्जांपल में तो 1st से 25 ही हुआ तो 24 डेज तो हुआ इफेक्टिवली, एक दिन का गड़बड़ कहां है। देखो बेटा गड़बड़ नहीं है, क्या बोला 2 डेज का टाइम पास होना चाहिए, तो 2 डेज अगर 1 तारीख को भेजा तो 1 से 2 दिन कितना हो गया 3 तारीख को, है ना सर। हमने इस दिन को इंक्लूड किया, क्या नहीं इंक्लूड किया, डेट ऑफ पोस्टिंग 3rd है, इसमें हमने 21 डेज ऐड कर दिया, ओवरलैपिंग आ गया ना, 2 दिन हमारा नोटिस सेंड करने का पोस्ट से और 1 दिन पोस्टिंग का डे प्लस मीटिंग का डे, तो हमने ऑलरेडी 24 को छोड़ दिया 25 को करा रहे हैं, ठीक है ना। सो इफेक्टिवली कितना आ रहा है मेरे पास, इफेक्टिवली मेरे पास 24 डेज आ रहा है, कम से कम 24 डेज का गैप देना पड़ेगा मीटिंग कराने के लिए, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, मतलब चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे वो ईजीएम हो, एजीएम हो या ईजीएम हो, ठीक है सर। ये बात कहां लिखी हुई है सर, रूल 35(6) में लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेशन रूल्स के अंदर कि कम से कम 48 आवर्स का टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आप पोस्ट से भेजते हो तो। चलो सर इसके ऊपर ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं और बेटर क्लियर होएगा, कुछ एग्जांपल्स कर लिया जाए इसके ऊपर। हाँ आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मिस्टर मोंटेरियो अ फॉरेन शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव्स नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर इट वॉज हेल्ड कमेंट। मिस्टर मोंटेरियो एक मेंबर हैं कंपनी के, उनको नोटिस जो मिला है ना वो मीटिंग खत्म होने के बाद मिला है, इससे आपका कमेंट पूछ रहा है सर। कंपनी को क्या प्रूफ करना है कि कंपनी ने टाइम से नोटिस दे दिया था। अगर कंपनी ने टाइम से नोटिस भेज दिया है 21 क्लियर डेज का के पहले नोटिस भेजा है, ठीक है सर, इंक्लूडिंग अगर पोस्ट से है तो 2 डेज राइट। हाँ, डेट ऑफ मीटिंग डेट ऑफ पोस्टिंग नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड है, डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ पोस्टिंग दोनों एक्सक्लूडेड है, डेट ऑफ पोस्टिंग एक्सक्लूडेड है, तो मतलब सर 21 क्लियर डेज अगर नोटिस दिया है हम लोगों ने तो सर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। व्हेन नोटिसेस आर पोस्टेड इन टाइम द फैक्ट दैट सम ऑफ द मेंबर्स रिसीव्ड इट लेट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द मीटिंग। ये ऐसा डिसीजन आया था कलकत्ता केमिकल लिमिटेड वर्सेस धीरेश चंद्र रॉय, ऐसा करके केस है सुप्रीम कोर्ट का जहां पर यह डिसीजन आया था, एंड इट होल्ड्स फॉर ट्रू फॉर एवरी केस नाउ। ठीक है सर, आगे बात करते हैं और एग्जांपल करते हैं। द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 5th May at 3 PM वॉज पोस्टेड ऑन 13th April at 2 PM, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस। सर मीटिंग कब होना है, मीटिंग होना है 5th May को और जो नोटिस भेजा गया वो 13th April को भेजा गया है। चलिए हम लोग निकालते हैं 21 क्लियर डेज कैसा होगा, 13th April + 2 डेज क्योंकि पोस्ट से भेजा है ना, पोस्टेड है तो प्लस 2 डेज कितना हो गया 15th April, ठीक है।
15 अप्रैल से अगर मैं 21 डेज ऐड करता हूं तो सर कहां पहुंचेंगे 15 प्लस 21 ऐड कर लीजिए, अप्रैल 30 डेज का मंथ है, सो सर 6th पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है 15th प्लस 21 कहां पहुंच रहा है 6th ऑफ मई पहुंच गए, और सर डेट ऑफ मीटिंग इंक्लूडेड नहीं है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो हम बेसिकली कब कर सकते थे मिनिमम कब कर सकते थे 7th ऑफ मई को कर सकते थे, लेकिन सर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है मीटिंग कब हेल्ड करी जानी है मीटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन 5th, तो बताइए क्या नोटिस हमें 13 अप्रैल को भेजेंगे तो वैलिड होगा क्या, 13 से 21 क्लियर डेज कहां पहुंचता है 7th पहुंचता है, बट मीटिंग तो 5th को होनी है, क्या सर हम 2 क्लियर डेज से शॉर्ट है क्या, शॉर्ट बाई टू क्लियर डेज एंड दैट्स वाई सच नोटिस इज इनवैलिड, और नोटिस इनवैलिड है तो अगर 5 तारीख को मीटिंग कर देते हैं तो यहां पर जो रेजोल्यूशंस पास्ड होंगे, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो भी इनवैलिड हो जाएंगे, बस दिस विल बी द आंसर। बोलिए आपको बात समझ आई क्या, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। हाँ और एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूं मैं आपको। देव लिमिटेड इशूड अ नोटिस फॉर होल्डिंग इट्स एजीएम ऑन 7th नवंबर 15, 7th नवंबर को नोटिस दिया है एजीएम करने का। द नोटिस वॉज पोस्टेड टू द मेंबर्स ऑन इशूड नोटिस फॉर होल्डिंग एजीएम होना है 7 नवंबर को, ठीक है, नोटिस पोस्ट किया गया है 16 अक्टूबर 15 को। सम मेंबर्स ऑफ द कंपनी अलीज दैट द कंपनी हैड नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो कुछ मेंबर्स का मानना है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फुलफिल नहीं किए गए हैं, ठीक है, नोटिस पीरियड ऑफ नोटिस के लिए, और इस कारण से यह मीटिंग वैलिड नहीं है, ऐसा बोला है। यहां पर दो बातें आ गई, पहली बात तो हमें चेक करना है कि जो शेयर होल्डर बोल रहा है कि सर नोटिस का प्रोविजन फुलफिल नहीं किया गया, प्रोविजन फुलफिल किया गया कि नहीं किया गया, और सर अगर नोटिस का प्रोविजन फुलफिल नहीं किया गया तो क्या मीटिंग इनवैलिड कर दी जाएगी, क्या मीटिंग इनवैलिड कर दी जाएगी, चलिए हमें यह देखना है। डिसाइड वेदर द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द नंबर ऑफ डेज बाय विच द नोटिस फॉल शॉर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट स्टेट एंड एक्सप्लेन बाय हाउ मेनी डेज द नोटिस फॉल शॉर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो चलो सर हम लोग बताएंगे। सबसे पहली बात सेक्शन 101 क्या बोलता है, 21 डेज क्लियर नोटिस, तो हमें चेक करना है कि सर 21 क्लियर डेज का नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। चलिए 16th अक्टूबर से क्या पोस्ट करके भेजा है क्या देखना जरा, या इलेक्ट्रॉनिक भेजा है, इलेक्ट्रॉनिक में 2 दिन ऐड नहीं करना होता बेटा, कैसे भेजा है, क्या भेजा इन्होंने, द नोटिस वॉज पोस्टेड टू द मेंबर है, अरे 2 डेज ऐड करो, कब हो गया 18th अक्टूबर को नोटिस इफेक्टिवली सेंट माना जाएगा, 21 डेज करो, लेकिन सर मीटिंग वाले दिन कर नहीं सकते तो 1 डे ऐड कर दो, तो 18th अक्टूबर से 22 डेज अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अक्टूबर कितने दिन का होता है 31 डेज का, सर 13 दिन इधर हो गए और 9 दिन, तो 9th ऑफ कब कर सकते हैं हम लोग मीटिंग, 9th ऑफ नवंबर को कर सकते थे, 9th ऑफ नवंबर से पहले नहीं कर सकते थे, 21 क्लियर डेज कितना पहुंच जाता है 9th ऑफ नवंबर, और मीटिंग कब होनी है 7th ऑफ नवंबर, तो सर ये तो क्लियर है कि 2 क्लियर डेज से शॉर्ट है, ठीक है, 19 क्लियर डेज ही दिया गया है, 21 क्लियर डेज नहीं दिया गया, चलो तो क्या ये मीटिंग वैलिडली कन्वीन्ड है क्या, नहीं सर, नोटिस फॉल शॉर्ट बाई 2 क्लियर डेज, पूछा ना कितने दिन से शॉर्ट है तो वही बता दिया हम लोगों ने, 2 क्लियर डेज से शॉर्ट है। चलिए नेक्स्ट एक बार सवाल देख लेते हैं, एजाइल लिमिटेड कॉल्ड इट्स एजीएम ऑन 28 सितंबर 2014, द नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज पोस्टेड ऑन 6 सितंबर 14, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, एग्जामिन वेदर द नोटिस वॉज गिवन बाय द कंपनी वॉज वैलिड और नॉट, तो सर कंपनी ने कब दिया है नोटिस, कब दिया है 6 सितंबर को, तो 6 सितंबर को नोटिस दिया है तो एजीएम सबसे पहले कब से कब कर सकते हैं, पोस्ट से भेजा है क्या, क्या पोस्ट से किया है क्या,
क्या बोलता है, द कम नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज पोस्टेड। हाँ चलो, तो सर 6th सितंबर प्लस 2 डेज इक्वल टू 8th सितंबर। चलो सर 21 डेज का टाइम देंगे, लेकिन सर मीटिंग का डे हम इंक्लूड नहीं करते 21 डेज में, तो हमें एक दिन नेक्स्ट जाना पड़ेगा। तो 8th सितंबर प्लस 22, 30th ऑफ सितंबर को हम लोग क्या कर सकते थे, 30th ऑफ सितंबर को हम लोग मिनिमम मीटिंग कर सकते हैं। बोलो सर मीटिंग कब बननी, कब रखी इन्होंने, 28 सितंबर को। क्या 28 सितंबर को मीटिंग करा सकते हैं? आंसर इज नो, 2 क्लियर डेज शॉर्ट पड़ जाएगा, एंड दैट्स द आंसर। ओके, प्रोविजन लिख दिया हमने कि सर कम से कम 21 क्लियर डेज का होना चाहिए, नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से जा सकता है, ठीक है, रूल 18 लगेगा इसके ऊपर। हाँ ठीक है सर, यहां पे 19 क्लियर डेज का ही दिया है टाइम, तो सर ये वैलिड नहीं, वैलिडली कन्वीन्ड नहीं मीटिंग है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। पायनियर्स लिमिटेड कन्वीन्ड अ बोर्ड मीटिंग ऑन 1st सितंबर। चलो बोर्ड मीटिंग करके डिसाइड किया है कि हमको नोटिस, हमको एजीएम कराना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम वॉज डिस्कस्ड, ओके, बट नो डिसीजन वॉज टेकन, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हाउएवर द कंपनी सेक्रेटरी इशूड द नोटिस फॉर एजीएम विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। बोर्ड ने ऑथराइज नहीं किया, बट कंपनी सेक्रेटरी है, उनको लगता है कि नहीं मैं तो एजीएम करा के रहूंगा, तो क्या यह एजीएम वैलिड माना जाएगा? सर क्या यह वैलिड माना जाएगा? चलो ध्यान से देखने वाली बात है सर, जब भी मीटिंग बुलाई जाएगी, जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, तो इट मस्ट बी विद इन द पावर्स गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कोई सिंगल डायरेक्टर, कोई सिंगल कंपनी सेक्रेटरी, जब तक कि बोर्ड उसको रेजोल्यूशन पास करके ऑथोराइज ना करे, तो मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकता। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी कैन बी कॉल्ड बाई प्रॉपर अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ कंपनी। हाउएवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डेलीगेट द अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग टू द कंपनी सेक्रेटरी। हाँ सर, रेजोल्यूशन पास करके कंपनी सेक्रेटरी को डेलीगेट कर सकते थे, लेकिन सर यहां पर क्या हुआ है, प्रेजेंट केस में क्या हुआ है, बोर्ड मीटिंग में कोई डिसीजन निकला ही नहीं, और कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी मर्जी से विदाउट द प्रॉपर अथॉरिटी बीइंग गिवन बाय द बोर्ड, उन्होंने क्या करा है, मीटिंग कन्वीन कर दी है। तो सर अगर सेक्रेटरी या कोई और ऑफिसर नोटिस इशू करता है जनरल मीटिंग करने के लिए, बट उसको पावर नहीं मिला है, या तो एओए से पावर नहीं है, या उसको बोर्ड से पावर नहीं मिला, ऐसा नोटिस को नल एंड वॉइड माना जाएगा, और मीटिंग जो होगी ना वो भी क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। हां एक तरीका है, कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस भेज दिया, बट इस बात को बोर्ड रेटिफाई कर दे, बीओडी रेटिफाई कर दे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेटिफाई कर देता है मीटिंग करने से पहले, तो ऐसा मीटिंग वैलिड माना जाएगा, नो प्रॉब्लम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यह फेमस केस लॉ है, हॉपर वर्सेस कैवर स्टुअर्ट एंड कंपनी। ओके चलिए, बात समझ आई क्या? इसका मतलब सर सिंपल था कि जब भी कोई नोटिस जाएगा, तो इट मस्ट गो विद द प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, या तो बोर्ड डिसाइड करे, या बोर्ड किसी को पावर डेलीगेट कर दे रेजोल्यूशन पास करके। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। नोटिस ऑफ द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, हम लोगों ने बोला था जब हम लोग स्लाइड वन पे थे, हम लोगों ने बोला कि सर थ्रू पोस्ट भी हो सकता है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग में भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है, ठीक है, हम लोगों ने बोला था। और मैंने कहा था कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है वो बताऊंगा, शॉर्ट नोटिस क्या होता है क्या बताऊंगा, 21 क्लियर डेज क्या होता है वो बताऊंगा। फ्रेंड्स अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और भी एक से बढ़कर एक वीडियोस लेकर के आता रहूंगा आपके लिए पूरे कंपनी एक्ट के ऊपर। चलिए सर, तो अभी हम लोग बात करेंगे राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसा होगा नोटिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशंस हैं, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड सर, नोटिस में बी सेंट थ्रू ईमेल एज टेक्स्ट, ईमेल पे लिखा
है ना, टेक्स्ट की तरह, टेक्स्ट जैसे टाइप करते हैं, टाइप किया ईमेल के ऊपर, या नोटिस क्या किया है, पीडीएफ अटैचमेंट लगा करके भेज दिया, और तो और आप यूआरएल लिंक भेज देंगे, होता है ना https google.com ऐसे करके, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग यूआरएल। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सर आप यूआरएल भेज दीजिए, यूआरएल भेज दीजिए जहां पर नोटिस पब्लिश हुआ पड़ा है, ठीक है, वो भी चलेगा। तो नोटिस हम लोग सेंड कर सकते हैं ईमेल से, ईमेल पे या तो बॉडी में टाइप कर दीजिए तो टेक्स्ट हो गया, या अटैचमेंट भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा, किसको ईमेल भेजेंगे हम लोग, हमें कैसे पता होगा ये कौन सा मेंबर है? सर मेंबर ने अपना ईमेल आईडी अपडेट कराया होगा, हाँ मेंबर्स रजिस्टर के लिए मेंबर ने क्या किया होगा, अपना रिकॉर्ड में ईमेल अपडेट कराया होगा, उस ईमेल आईडी पे भेज देंगे हम लोग। सर इस बात के लिए रूल ये है कि कंपनी को साल में कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर उन सभी मेंबर्स को जिनकी आईडी या तो चेंज हुई है या जिन्होंने अपनी आईडी अपडेट नहीं कराई है, ठीक है, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी आईडीज अपडेट करा लीजिए, बाकी मेंबर्स को नहीं दिया जाएगा। रिलायंस में 3.5 लाख मेंबर्स हैं, 3.5 लाख मेंबर्स में सबको हर बार भेजेंगे और अगली बार सब लोग वही आईडी भर देंगे जो ऑलरेडी कंपनी के रिकॉर्ड में है, तो दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। ऐसे केस में क्या करेंगे, जिनका आईडी अपडेटेड नहीं है, हाँ उनका ही आईडी कलेक्ट करेंगे, या जिनका कोई चेंज हुआ है, ठीक है, उनको देंगे, या जिन्होंने अपना आईडी नहीं दिया है उनको देंगे। जो सब्जेक्ट लाइन होगा उसके ऊपर भी रिक्वायरमेंट है, ईमेल में जो सब्जेक्ट जाता है ना उसमें क्या क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम होगा सर, किस टाइप की मीटिंग होने वाली है, एजीएम है, ईजीएम है, किस डेट को होने वाला है, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन कहां पर जाएगा, सब्जेक्ट लाइन में जाएगा। सर अगर कंपनी मेल एड्रेस पे भेज रही है, जिन भी शेयर होल्डर्स का, जिन भी मेंबर्स का ईमेल एड्रेस अपडेटेड है, तो कंपनी ने अगर, आज पहले यहां से करते हैं, अगर नोटिस मेल पे भेज रहे हैं अटैचमेंट की तरह, तो ये अटैचमेंट कैसा होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, बात रूल 18 बोलता है, या सर कोई और फॉर्मेट होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर में खुलेगा ना, जब भी अटैचमेंट जाएगी तो पीडीएफ सॉफ्टवेयर है, तो पीडीएफ का अल्टरनेटिव भी हो सकता है, लेकिन साथ में मेंबर के पास ये ऑप्शन जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कहां से डाउनलोड करे, उसका भी पूरा इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, साथ में भेजेंगे हम लोग कि आप यहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये नोटिस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, जो हमने नोटिस दिया है, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस दिया, पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में कुछ और मैटर है और फिजिकल नोटिस में कुछ और मैटर है, सर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा आंसर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक मोड में अलग, फिजिकल में अलग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है। हाँ, नोटिस पे एक लिखा होता है ना, बाई पोस्ट, हर चिट्ठी पे लिखा होता है जनरली बाई पोस्ट, बाई मेल, बाई हैंड, है ना, तो सर ऑब्वियस है जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा तो ऑब्वियसली वहां पर बाई पोस्ट तो नहीं लिखा होगा, ऑब्वियसली बाई मेल लिखा होगा, ठीक है। हाँ, तो बस ये कंटेंट में डिफरेंस हो सकता है, बाकी हर रिस्पेक्ट में जो फिजिकल नोटिस देंगे और जो ईमेल पे नोटिस देंगे दोनों वन एंड सेम होना चाहिए। सेंडिंग ऑफ नोटिस वाया ईमेल शैल बी सब्जेक्ट टू सच ऑप्शंस बीइंग कंफर्म्ड बाय द मेंबर एंड ईमेल एड्रेस बीइंग अपडेटेड, कम से कम 30 दिन पहले ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाना चाहिए, मिनिमम 30 डेज पहले जो ईमेल एड्रेस अपडेट कराया होगा शेयर होल्डर ने उसी मेल आईडी पे जाएगा, ठीक है सर। और अगर कंपनी ने ऐसे ईमेल के थ्रू नोटिस भेजा है तो कंपनी को के ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि वो फिजिकल कॉपी भी भेजे। हाँ सर, अगर किसी मेंबर का मेल बाउंस हो गया और कंपनी को इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो कंपनी फिजिकल कॉपी भेज सकती है, ओके। अगर सर ईमेल से भेजा है तो कंपनी को इंश्योर करना है कि जो कंपनी का सिस्टम है, लाइक जीमेल यूज करते हैं, हॉटमेल यूज करते हैं, कंपनी अपना खुद का वेबसाइट यूज करता है हॉटमेल, ठीक है ना, तो सर जौन सा भी सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, वो कंफर्मेशन जनरेट करता है कि मेल हैज बीन डिलीवर्ड कि नहीं, अगर डिलीवर्ड नहीं हुआ तो बाउंस हो जाएगा, है ना,
उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फर्क नहीं पड़ता बाउंस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट अपडेटेड मेल था वहां भेजा बाउंस हो गया कोई दिक्कत नहीं सर, मेंबर की गलती है, लेकिन हमें प्रूफ जनरेट करके रखना है कि हमने अपने साइड से मेल भेजा हुआ है। ये मैंडेटरी रिकॉर्ड है जो हर कंपनी को मेंटेन करना है कि वेदर मेल डिलीवर्ड, डिलीवर्ड होता है तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगी कि मेल डिलीवर्ड हो गया है, ठीक है, बाउंस होता है तो भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि द मेल हैज बाउंस्ड, तो आपको एक ऐसा सिस्टम यूज करना है। आज के टाइम पे जीमेल, हॉटमेल, हर टाइप का मेल, याहू मेल, हर मेल ये ऑप्शन देता है। कंपनी का ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया जब कंपनी ने मेल ट्रांसमिट कर दिया है, कंपनी ने मेल भेज दिया है, और अगर मेल बाउंस बैक हो जाता है या तो सर्वर फुल है या जो भी रीजन है जो कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, बट कंपनी ने भेज दिया, मेंबर रिसीव नहीं कर पा रहा, कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो गई सर। सर अगर कोई मेंबर जिसको नोटिस मिलना चाहिए था एजीएम का, जिसको एजीएम का नोटिस मिलना चाहिए था उसको नोटिस नहीं मिला है, ठीक है, और यह बात प्रूफ कर देता है कंपनी की उसने सर अपडेट नहीं कराई है, उसने अपना ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं कराया, उसने अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया बट कंपनी को अपडेट नहीं कराया, तो सर कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर सर आपने कोई लिंक से या यूआरएल से बनाया है तो ऐसा लिंक पढ़ा जाना लायक होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, कि सर ये लिंक है आपका नोटिस ओपन करने का जो हम लोगों ने भेजा है आपको, किस बात के लिए भेजा है हम लोगों ने आपको भेजा है कि सर आप आइए और मीटिंग अटेंड कीजिए। अभी हम लोगों ने एक बात करी थी कि शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है, तो सर शॉर्टर नोटिस कैसे हो सकता है जरा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। शॉर्टर नोटिस का मतलब सर 21 क्लियर डेज का नोटिस तो होना ही चाहिए। हाँ, ध्यान एक बात और बताने लायक यहां पर क्या है, 21 क्लियर डेज का जो नोटिस का रिक्वायरमेंट है ना वो सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए है 14 क्लियर डेज का चलेगा इसके ऊपर। हाँ चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सर किन केसेस में शॉर्टर नोटिस भी पॉसिबल है। आइए हम लोग इसकी जरा बात कर लेते हैं कि शॉर्टर नोटिस किसके लिए पॉसिबल है, कहां कहां पॉसिबल है। सर कंपनी एक्सेप्शनल केसेस में 21 क्लियर डेज से कम टाइम पे भी, एक्सेप्शनल केसेस में 21 क्लियर डेज से कम टाइम पे भी नोटिस दे करके मीटिंग बुला सकती है। कंडीशन क्या है सर, एजीएम में कम से कम 95% शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, 95% शेयर होल्डर्स मतलब सर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% से ज्यादा चाहिए होता है, बट सर क्या बोला है शॉर्टर नोटिस करना है तो एजीएम में कम से कम 95% से ज्यादा शेयर होल्डर्स क्या बोले फेवर में वोट करें कि हाँ सर हमें शॉर्टर पीरियड का नोटिस चाहिए। लाइक हम 10 डेज का नोटिस दे सकते हैं, 5 डेज का दे सकते हैं, 2 क्लियर डेज का नोटिस दे सकते हैं, इवन 1 क्लियर डेज का नोटिस दे सकते हैं। अगर 95% शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में बोलते हैं कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, सर ऑब्वियस ऐसा कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया बिकॉज 95% शेयर होल्डर वोट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको ऑलरेडी मीटिंग का पता है, उसको नोटिस अगर कम पीरियड का भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, कंपनी एक्ट ने ऐसा प्रोविजन दिया है। सर क्या होगा अगर कंपनी सर शेयर कैपिटल वाला है, तब तो आप क्या करेंगे सर पेड अप कैपिटल देख लेंगे, 95% पेड अप कैपिटल। बट सर अगर शेयर कैपिटल नहीं कंपनी में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है, सर वोटिंग राइट तो वहां पे भी होता है, वोटिंग राइट देखेंगे, 95% से ज्यादा वोटिंग राइट वाले अगर मेंबर्स फेवर में वोट देते हैं शॉर्टर नोटिस के, तो हम लोग शॉर्टर नोटिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे माई डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, आई वुड ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं कोरम एंड प्रॉक्सी के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ वंडरफुल सीए एंड सीएस करियर, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप लविंग लॉ एंड ऑल्सो कीप लविंग राहुल सर, थैंक यू।